सारे रब दे मेहमान रब
सामने शियार कर दाए कोई तेरे घर के अंदर मेहमान आए तू अपनी कसीगत तो बात क्यों दी मेजबानी कर ले ते रब ते पूरी करना ता बादशाह है रब ते पूरी करना ता दाता है जिदों करो चले आ कर ए रब दा लेकर के चले आ कर मस्जिद विच चलना रब दा मेहमान बन के चलना इंतजाम न लाया कर मोहब्बत न लाया कर प्यार न लाया कर मस्जिद वाला आया कर मस्जिद के अंदर नहीं आया अल्लाह का मेहमान बन के आया है अल्लाह मुअक्कल मैं ते ना उठ के आया कर जिवे बैठा होए उठ के सोने साफ सुथरे कपड़े पा के अल्लाह के घर आया कर क्योंकि रब का मेहमान बन के आने अल्लाह ना तवज्जो करना ते नबी पाक फरमांदे ने मेजबान का हक है मेहमान की मेजबानी करे मेजबान का हक है मेहमान की वैसे हदीस का बड़ा हिस्सा इसका मतलब है असली मेहमान आपके रब साडा ते रब साडी मेहमान नवाजी कर दे अल्लाह बड़े दर ते आया बंदिया नु खाली कोड़दा ओ शौक नाल आया करो मस्जिद दे वल मोहब्बत नाल आया करो मस्जिद दे वल अल्लाह को जो करना अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद ते आ रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद ते आ रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा बंदा रब दा बंदा रब दा बंदा रब दा रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा अल्लाह ने ओ तेरे लिए जन्नत बनाई हीरे लाल मोतियां दी सेज सजाई पाक साहब हुरम तेरा तक दिया ला पाक साहब हुरम तेरा तक दिया ला रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा अल्लाह का कुरान फरमाया अऊज बिललाहि मिन शैतान रजीम इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह चल के आते ने ते कयामत वाले दिन मुकम्मल नूर के अंदर होंगे अल्लाह हु अकबर अल्लाह कयामत वाले दिन मुकम्मल नूर के अंदर होंगे मुकम्मल रोशनी के अंदर होंगे उनका का सच्चा भी मुनव्वर उनका का कब्बा भी मुनव्वर हर पासे रोशनी रोशनियां ते रोशनियां के अंदर चलते चलते रब के जन्नत के हकदार बन जाएंगे आया पर मस्जिद वाल अंधेरे को रात पता रात दिया नमाज ईशा की नमाज फजर की नमाज ते तहज्जुद की नमाज अंधेरे के वक्त उठ कर के आया करो अल्लाह के घर अल्लाह का नाम लिया करो अल्लाह की याद करया करो मैनु हदीस याद आई है अंदर के अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला को प्यार करदे ने हदीस सुनिया जे ते सीना ठंडा करया जे ए बड़े पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलात व सलाम से सहाबी कहते रहे एक दिन सैयद रमाविया रजी अल्लाह तआला अन्हु एरिका के मस्जिद के अंदर दाखिल लेना देखे आप कुछ लोग बैठे ने ये गदर के माविया करके कहते रहे और कुछ एक तो बैठे अल्लाह के घर के अंदर ते लोग कहने लगे असली सवात पे बैठे हां बैठे जिक्र करते पे रब का शुक्र करते पे उस रब ने सू हदायत अता की अल्लाह फिर सारे अपने घर का दिल
अल्लाह का हाज नसीब फरमाए आमीन अल्लाह अपने घर का उमरा नसीब फरमाए जिन्हें इत्थे बैठे अल्लाह इन सारे सबकेला ले जा आमीन ते कोई मुश्किल नहीं कोई ब्लड को कोई होए ते मदर पूरा सारा ही अल्लाह करता है ऐ कोजो करना अल्लाह सब सारे अपने घर का अल्लाह का हाज उमरा नसीब फरमाए करना अभी प्रिया जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलात व सलाम से आपकी प्यार करते थे अगर मेरे पर देखे आने तैयार करे आने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़न का फायदा बा जमात नमाज पढ़न का फायदा मस्जिद के अंदर आने का फायदा अगर देखो बा बिना पे सब क्या जो नबी अल्लाह व तआला रजी अल्लाह तआला ने बयान कर दे गए नबी पाक ने सलात व सलाम से शिरक बयान करके आए असली सुफा के अंदर बैठे हैं अल्लाह ने नबी पाक फरमा दे मेरे से आता ना तोड़े तो को बंदा पसंद कर दे वादी अदहान के अंदर या वादी यकीन के अंदर जाए वो तो बेहतरीन किस्म दिया बगैर चलने को ते बगैर गुनाह को बगैर सिला ना के तो दो उठनिया लेकर के आने या तोड़े तो को बंदा पसंद कर लेगा बाकी बदहाल दिवाकी यकीन के अंदर बेहतरीन किस्म के ऊंट पाए जाते सड़ जैसे आपस के अंदर ही सोया हर बंदा ही पसंद कर दे एक नंबर करवा दे मेरे से आता जरा बंदा मसले के अंदर आंदे कुरान पाक दुनिया तो आता पढ़ लेंगे या कुरान पाक दुनिया तो ऐसा सीख लेंगे वो ना तो ऊंटनिया ना रोज आता जर पा लेता है बड़े शौक जेड़ा कोई भी नमाज नहीं पढ़ता फजर की जरूरी ना हम सचे बने ना नमाजी नबी पाक ने फरमाया तू इतना पढ़ लेंगे कि क्या तो लगता सीख लेता है आज तो बाद वादा करो कम से कम आज के चुने दिन तक फायदा है रोजाना फजर की नमाज के बाद अगर कुरान पाक तर्जमे नाल पढ़े ते दो ऐता इंशाल्लाह पढ़निया पढ़निया ने जे नहीं पढ़या नहीं सीखिया ते आज तो बाद भावे 40 साल दे हो भावे 50 दे हो भावे 17 दे हो कारी साहब के कोले किसी भी मस्जिद ते अंदर जेड़ी भी मस्जिद करीब है उस मस्जिद ते अंदर फजर की नमाज जमात तक पढ़ लिए ते दो ऐता दा तर्जमा जरूर सीखना है ओ बोलो इंशाल्लाह अल्लाह की कसम में मिंबर पे खड़ा रब अकबर की कसम तो अपनी जिंदगी के अंदर ए चीजा ले आके देख अल्लाह तेरी जिंदगी के अंदर बरकत आ वे के ले आ क्योंकि सारा जाके झूठा हो सकता है नबी पाक की जुबान की जो गलत लफ्ज नहीं निकलते कि नबी पाक ने ये वजाहत की फरमाई सिर्फ दो ऐता नहीं नबी पाक फरमाते हैं हर ऐत के बदले एक ऊंटनी हर कारोबार अपने मकान बेच दिए मस्जिद के करीब आ जाइए रहमत के कायनात ने
मस्जिद पाकिस्तान के अंदर कोई हो मस्जिद हराम हो मस्जिद नबवी हो मस्जिद अक्सा हो इन्हों का तहफ्फुज़ करना हर मुसलमान पे मस्जिद इस्लाम दियां बेटियां मस्जिद इस्लाम दियां ते इन्हों का तहफ्फुज़ करना मुसलमाना पे फर्ज़ है। मैं अज का दिन मरनी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की तरफों यौमे फलस्तीन के हवाले में मनाया जा रहा है और पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले में खुतबात के जुमा पढ़ाए गए हैं। चूंकि मैं इसका खुतबा जुमा के अंदर मस्जिद अक्सा वास के हवाले तफसीली गुफ्तगू कर चुकिया सर इस बात के आज मौजूद के अंदर इस बात को छेड़ा लेकिन हिस्सा इतना को डालना चाहना ध्यान करया दे पिछले दिनों ना पाकिस्तान की असेंबली के अंदर एक खतून मेंबर ने एक गल कीती अल्लाह की कसम जिन्हें कलेजा चीर करके रख दिया तुसां ये अखबार जेडे फेसबुक यूट्यूब या दीगर सोशल मीडिया के जराए इस्तेमाल करते नु सुने होने वो बीबी कह रही सी कि बैत खुदा साडा किबला है ते मस्जिद अक्सा के उदियां दा किबला है ते उन्हां दे हवाले कर देना चाहिदा है वो भी कर देना चाहिदा है। बोलो मस्जिद अक्सा इसराइल दे यहूदियां दे हवाले कर देना चाहिए क्यों वादे वास्ते इस वास्ते कि जेडे यहूदी ने उन्हां दीआं इबादत गुलामां नूं कलीसा कहते ਕਿ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਯਹੂਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਔਰ ਬੋਲੋ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸੂਮ ਬੱਚੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ फलस्तीन के रोंदे बेटे अपने जिस्म के टुकड़े करवांदे मर्द औरतां पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे ने असी मुसलमान हां साडे जिस्म के टुकड़े हो सकदे ने लेकिन मस्जिद अक्सा तो जुदा नहीं हो सकदे और मुसलमान हुकमरान नाम नवाज दे रहे ने ऐना उमर बिन खताब ऐना सलाहुद्दीन अयूबी किथे उमर बिन खताब किथे सलाहुद्दीन अयूबी अल्लाह अकबर अल्लाह उस दौर के नाल ताकतवर भी ज्यादा उस दौर के नाल मसला भी ज्यादा एटमी कुव्वत भी अस्करी कियादत भी और एक अरब 40 करोड़ मुसलमान सिर्फ 60 लाख यहूदियों के सामने बेबस हो गए इसराइल मुल्क तमाम इस्लामी ममालिक के दरमियान
ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੈ। ਬੇਹਿਸੀ ਹੈ। ਅਰਬ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗੈਰਤ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਿਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਮਸਤੇ ਅਕਸਾ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮਸਤੇ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਮਸਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਮਸਤੇ ਅਕਸਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਫਲ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਬਸਾਦਤ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਸ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ
तक मैं उन्हें शहीद से रंगीन हो मैं फलस्तीन हो मैं फलस्तीन हो मैं फलस्तीन हो मैं फलस्तीन हो मैं उन्हें रही मैं उन्हें शहीद से रंगीन हो सब तो ज्यादा अजीज इको रिश्ते फलस्तीनियों से रिश्ता किया फलस्तीनियों से रिश्ता किया फलस्तीनियों से रिश्ता किया कश्मीरियों से रिश्ता किया अल्लाह सब सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।